वेलकम टू SJ Inception और एक्वेरियम चैनल। सो टुडे आई एम एट सी लाइफ बैंकॉक और ये एक पब्लिक एक्वेरियम है, बहुत ही बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सो ये एक एंट्रेंस है, 800 बात सिंगल पर्सन की एंट्री है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड इनसाइड सी वर्ल्ड बैंकॉक। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी यूनिक इनके सेटअप्स है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी अमेज टू चेक आउट ऑल दिस एक्वेरियम्स एंड शो टू यू गाइज। सबसे पहला एक्वेरियम आपके सामने यहाँ पर है। लुक एट द ब्यूटिफुल सेटअप, वाओ सो स्टनिंग। ये देखिए अंदर तक कितना फैला हुआ है, वो देखिए वहाँ तक ये जा रहा है, कितना मतलब गहरा, कितना डीप इन्होंने बनाया है। और वो देखिए वहाँ पर एक छोटा सा, आई थिंक सो हर्मिट क्रैब है, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट्स अ हर्मिट क्रैब। और नीचे यहाँ पर शायद से स्कोपास टैंक है, टैंक की वैरायटीज दिख रही है। उधर अंदर बटरफ्लाई फिश की वैरायटी है एंड यस ये आचिलीज टैंक है। सो लेट्स सी, लेट्स चेक आउट अदर वैरायटीज। ये कितने मज़े से झूम रहे, खेल रहे, आप देखिए यहाँ पर आई एम लिटरली अमेज्ड आफ्टर वॉचिंग। अब अगर आप लेफ्ट साइड पर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके पास बहुत बड़े साइज़ का एक क्रैब है यहाँ पर। ये मरीन के क्रैब्स है, ये देखिए इसके पैर कितने बड़े हैं एंड वो उसके जो सामने की तरफ का जो हिस्सा होता है वो किस तरह से मूव हो रहा है। एंड वहाँ पर और एक क्रैब मुझे दिख रहा है। एंड ये पूरा, अगर आप पूरा ये एक्वेरियम देखोगे तो इट्स सिलेंड्रिकल इन शेप, ये पूरा सर्क्यूलर है, सिलेंड्रिकल शेप का है। और एक क्रैब आगे आ रहा है, ये देखिए ये भी कितना जंबो है, कितना विशाल साइज का है। लिटरली पहली बार मैंने इतने बड़े क्रैब्स देखे हैं लाइफ में, सी लाइफ बैंकॉक में, सी वर्ल्ड बैंकॉक में ये पहली बार मुझे देखने को मिले। इनका नाम है जायंट स्पाइडर क्रैब। और ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, सिलेंड्रिकल एक्वेरियम है, देखिए कंप्लीटली सिलेंड्रिकल, वाओ सीरियसली सो स्टनिंग। उसके बाद में यहाँ से हम चेकआउट कर लेते हैं। I'll try to zoom. तो इन महाशय का नाम है स्पाइनी लॉबस्टर, यहाँ पर इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पाइनी लॉबस्टर तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पाइन्स होते हैं इनके ऊपर। सेटअप तो देखिए आप, कितना कमाल का सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। नीचे भी देखिए बॉटम पे, ओह माय गॉड सीरियसली। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एक्वेरियम। कोकोनट ऑक्टोपस लिखा हुआ है, कोकोनट ऑक्टोपस, लेट्स चेक आउट कोकोनट ऑक्टोपस। हियर इट इज, द गाय इज सिटिंग इनसाइड दिस शेल। ये देख सकते हो आप, इस शेल में, इस शंख में ये बैठा हुआ है कोकोनट ऑक्टोपस। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम वॉचिंग कोकोनट ऑक्टोपस एंड आई एम श्योर कि आगे बहुत सारी वराइटीज़ पहली बार मैं देखने वाला हूँ। लेट्स गो अहेड, काफ़ी सारी वराइटीज़ चेकआउट करनी है। वाओ, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्वेरियम फिश, मरीन फिश में। इसका नाम है एम्परर एंजल, ये एडल्ट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज है। डैम्सल मुझे दिखाई दे रही है, ये रही डैम्सल फिश। एंड द सेटअप इज सीरियसली सो क्रेजी, लुक एट दैट। इस फिश के स्ट्राइप्स देखिए आप बॉडी के ऊपर, कितने वर्टिकल स्ट्राइप्स है इसको। आई थिंक दिस इज अगेन अ टैंक। ब्यूटिफुल, लेट्स गो अहेड। सो
This is the next aquarium. डिटेलिंग अगर आप देखेंगे हर एक चीज़ की जो इसके अंदर इन्होंने डाली है, ये देखिए अब इसका लुक, और जूम भी लेके जाता हूँ आपको, हर एक चीज़ दिखाता हूँ। Look at the calm movement of this fishes. इनका नाम है Ambon Damsel. इसके अंदर आपको दिखेंगी boxer shrimp और coral banded shrimp. ये देखिए कितने नन्हे से है ये, बट क्या खूबसूरती से इनको बनाया गया है. लुक एट द यूनिकनेस ऑफ देयर बॉडी, वाओ. आई थिंक दीज आर पायजामा कार्डिनल्स, थोड़े से बढ़ चुके हैं ये फिश, ज़्यादा बढ़ती नहीं है जितना मुझे पता है, तो क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा साइज बड़ी दिख रही है इनकी. तो पैटर्न देखिए, ये देखिए इनके पैटर्न कितने निखर के, कितने उठ के हाइलाइटेड हो चुके हैं. वो आई एम लिटरली गेटिंग लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ दीज मरीन फिशेस. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट टैंक नाउ. इसके अंदर है 3 spotted सी हॉर्स. देखते हैं कि इस टैंक के अंदर हमको देखने को मिलता है नहीं, बट मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं पे. यहाँ पे तो क्लाउन दिख रही है, और ये शायद से डायमंड बटरफ्लाई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सी हॉर्स इसके अंदर नहीं है, डिस्प्ले पर तो सी हॉर्स लिखा हुआ है बट सी हॉर्स नहीं है इसके अंदर. कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगली लॉन्ग हॉर्न काउफिश. Here is the next setup. Each and every setup, अगर आप देखेंगे हर एक एक्वेरियम सेटअप की डिटेलिंग इतनी बारीकी से इन्होंने की है. हर एक एक्वेरियम में कुछ ना कुछ अलग सेटअप, अलग स्केपिंग करने की कोशिश की है. सेम आपको कोई किसी भी टैंक में दिखेगा नहीं, सीरियसली. अगेन यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है बड़ा सा. अब देखिए इसकी साइज कितना प्रचंड है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है. अब आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर आप सीरियसली स्टंड होने वाले हो. लुक एट हियर, ये देखिए कितना बड़ा सा एक्वेरियम है यहाँ पे. पहली बार मेरे लाइफ में मैं इतना बड़ा एक्वेरियम देख रहा हूँ. आई गो इन द सेंटर ताकि आपको इसकी डेप्थ दिखाई दे. लुक एट दैट, वो दिस इज लिटरली ह्यूज. लेट्स चेक आउट दिस बिग गाय इन दिस एक्वेरियम. वाओ, OMG. आई थिंक इस एक्वेरियम सेटअप को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि टिकट के पैसे जो है वो वसूल हो चुके हैं. वो कितना बड़ा है आप देखिए ये. वो मेरे ख्याल से लिपस्टिक टैंक है या नासो टैंक है, वो इतने बड़े हो चुके हैं. नासो टैंक है शायद से.
ये देखिए इंसान भी नीचे खड़े हैं। हाइट देखिए इसकी, मेरे ख्याल से आराम से 50 फीट के तो ऊपर तो आराम से होगी इसकी हाइट, इजीली 50 फीट के ऊपर इसकी होगी हाइट। I'll try to zoom on more varieties inside this tank. ये देखिए कितनी छोटी सी दिख रही है इन बड़े बड़े फिशेस के सामने। वाओ, अब मैं वाकई में कह सकता हूँ यहाँ पर आकर, बैंकॉक में आकर, इस सी वर्ल्ड बैंकॉक में आकर एक्चुअली में मेरा आज का दिन बन गया और मेरी ये ट्रिप साकार हो चुकी है। ऑलराइट, सो अब मैं वहाँ पर नीचे जाता हूँ और वहाँ से आपको इस पूरे एक्वेरियम का लुक दिखा देता हूँ। मन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ से, इस जगह से हटने का, बट और भी सेटअप्स देखने हैं। इसकी पैटर्न तो देखिए आप, वो ऐसे लग रहा है कि स्केच पेन से डिज़ाइन करी है इसके ऊपर। डू लेट मी नो अगर आप जानकार हो मरीन फिशेस के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन माशे का क्या नाम है। ये देखिए क्या खूबसूरती से पैटर्न किया गया है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि आर्ट बना है इनके बॉडी के ऊपर। ये देखिए, वाओ, लेट मी नो योर व्यूज, लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको ये पब्लिक एक्वेरियम कैसा लगा। मेरे लाइफ में मैंने ऐसा पब्लिक एक्वेरियम आज तक नहीं देखा। वाओ, देखिए कितना बड़ा है ये, चारों तरफ से आप देख सकते हो इसको। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एक्वेरियम सेटअप। ये सामने जो आप देख रहे हो इसकी हाइट देखिए, वर्टिकल एक्वेरियम सेटअप दिख रहा है ये मुझे। एंड इसके अंदर की फिशेस, लेट्स सी ऑन द डिस्प्ले, दीज आर सोल्जर फिश। ऐसे दिखते हैं सोल्जर फिश, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं इनकी। वो शार्क मिशन, ये तो कुछ अलग ही दुनिया लग रही है। OMG, अगेन आप लोग कुछ अब हटके चीज देखने जा रहे हो। ठीक इसके नीचे ये देखिए, लुक एट दैट, सो ये देखिए ये ऊपर का नजारा है, ऐसा खूबसूरत। और एक नीचे देखोगे, ये देखिए क्या ग्राफिक्स है, ये नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स। वो देखिए जिस तरह से वो स्विम भी कर रही है, ओहो, देखिए आ गई है अब ओशन की दुनिया की मॉन्स्टर, वो रही शार्क फिश। ये देखिए, लुक एट द साइज, और आप इसके ऊपर आसानी से चल भी सकते हो। ये देखिए, लेट्स गो अहेड, काफी खूबसूरत, काफी मजेदार, नेक्स्ट लेवल। फाइनली लाइन फिश हमको दिख गई है, हियर इट इज, ब्यूटिफुल, बिग, यूनिक, इनक्रेडिबल लायन फिश, बहुत बड़ी साइज में। सारे फीचर्स देखिए कितने इसके इवॉल्व हुए हैं, एडवांस्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ द साइज। ओ एंड ऊपर देखिए कितने सारे लायन फिश हैं, ये देखिए काफ़ी सारे लायन फिश है यहाँ पर। नीचे भी देखिए,
पूरा लायन फिश का एक्वेरियम बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर भी एक माशा है, ये देखिए इसका लुक। वो लेट्स गो अहेड। Here are eels. OMG, इनकी साइज देखिए, इनकी हेल्थ देखिए। लेट्स चेक आउट ये कौन से हैं। जायंट मोरे ईल्स एंड हनीकॉम मोरे ईल्स। अब मैं आपको बता नहीं सकता हनीकॉम कौन से, जायंट मोरे कौन से, आप पता कर लीजिए। मैं क्योंकि इनके ब्यूटी में, इनके साइज में खो चुका हूँ लिटरली। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से दोबारा आना पड़ेगा सिर्फ इनको देखने के लिए, बिकॉज अभी मैं देख भी रहा हूँ, शूट भी कर रहा हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज एक विजिट पर मेरा मन नहीं भर रहा है। आई थिंक फिर से विजिट करना पड़ेगा। हाइडिंग प्लेसेस बनाए हैं, वो काबिले तारीफ है। इतने बड़े बड़े, मतलब आप बोल सकते हो कि गुफा बनाई है इन्होंने सेटअप में, ताकि ये इसके अंदर ये बड़े बड़े ईल्स छुप सके। वहाँ पर अंदर देखिए, ये एक, वहाँ पर अंदर दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे छः, यहाँ पे सातवां, वहाँ पर भी शायद से आठवां है। और यहाँ पे देखिए, बच्चों को जाने के लिए एक छोटा सा टनल बनाया हुआ है, यहाँ से बच्चे अंदर से जा सकते हैं और इन खूबसूरत क्लाउंस को देख सकते हैं। My God, here are penguins. ये देखिए, ये असली के पेंगुइन्स हैं। ये ऐसे आपको लगेंगे कि इतने शांत क्यों है, वो देखिए हिल रहा है। मुझे भी क्योंकि लगा था, आश्चर्यचकित हो गया मैं इनको देख के अचानक से, मतलब पेंगुइन्स देख के, सारे फिशेज है और अचानक से पेंगुइन्स देख गए। मुझे लगा कि कई शोपीस तो नहीं बनाएंगे, बट ये देखिए, दीज आर एक्चुअल पेंगुइन्स। यू कैन इमेजिन अंदर का सेटअप क्या बनाया है इन्होंने और क्या टेम्परेचर इन्होंने रखा रहेगा। मतलब हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते, कर सकते बट इट वुड बी वेरी हार्ड। ये देखिए कैसे इसके ऊपर ये बैठा हुआ है। वाओ, एक एक चीज़ यहाँ पर इतनी अनोखी है, इतनी यूनिक है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन वर्ड्स कि क्या कहूँ मैं। ये देखिए, आइस की इन्होंने केव भी बना डाली है। एंड लेट मी टेल यू, इन माय लाइफ आई एम वाचिंग पेंगुइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव। यस, ये जो इन्होंने बनाया है यहाँ पर, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है सीरियसली। ये देखिए स्लोप भी कैसा बनाया है उन्होंने वहाँ पर, ताकि वो पेंगुइन्स स्लाइड कर सके, ऊपर आ सके। मतलब जितना हो सके इनको नेचुरल सेटअप देने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है देखते रहो, आई एम स्पीचलेस। लेट्स गो अहेड। क्लाउन से यहाँ पर पॉपुलर टोमेटो क्लाउन्स, शायद से स्टॉर्म क्लाउन्स भी हैं, नगेट क्लाउन्स भी हैं, सारे एक्सोटिक क्लाउन्स इसके अंदर डाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला जो हम देखने जा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि किंगडम बनाया हुआ है इन्होंने पानी के अंदर। और इसके अंदर तो देखिए ये क्या है,
हो, लुक एट दैट। यूनिक वंडर्स ऑफ नेचर। लेट्स यूज दिस मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक क्लोजली। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस मैग्नीफाइंग ग्लास टू व्यू देम प्रॉपरली। वाओ, सीरियसली डैम इम्प्रेसिव। सो यहाँ पर आप देखोगे, ये सिलेंड्रिकल टैंक में सारे क्लाउन फिशेस ऐड किए इन्होंने। आई विल गो अराउंड। ये देखिए कितने क्वांटिटी में क्लाउन फिशेस ऐड करे हैं। वाओ, ऐसे मैं 10 चक्कर लगा सकता हूँ इस एक्वेरियम को देखने के लिए, या उससे ज़्यादा भी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर सी हॉर्स किंगडम लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम सी हॉर्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कॉमन सी हॉर्स या स्पॉटेड सी हॉर्स। Okay, just have a look at this incredible, unique beauty. Wow. अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑर्चिन। योर इट इज। इसको शायद से ऑर्चिन बुलाया जाता है। ये रीफ्स पर, रॉकी एरियाज पर, ये ओपन सी बॉटम्स पर बैठते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे सी ऑर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। पर कुछ इंफॉर्मेशन है सी हॉर्सेस के बारे में। मेल सी हॉर्सेस हैव अ पाउच एंड दे कैरी द एग्स प्रोवाइडेड बाय द फीमेल। आफ्टर 5 to 6 weeks द मेल गिव्स बर्थ टू 150 टू 200 बेबी सी हॉर्सेस। दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इज़न्ट इट? वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है लॉन्ग स्नाउट सी हॉर्स या स्लेंडर सी हॉर्स। कहाँ पर है भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो दिख गए मुझे, यहाँ पे देखिए स्लेंडर सी हॉर्स इनका नाम है। ये देखिए नशीली आंखें इनकी कैसी घूम रही है। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉट बेलीड सी हॉर्स। नाम मरीन फिशेस के बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वो पॉट बेलीड सी हॉर्स तो कुछ अलग ही धुन में चलते फिरते हैं। ओके, सो आप यू कैन गेट इट क्यों इनको बोला जाता है पॉट बेलीड सी हॉर्स, बिकॉज इनके बेलीज देखिए, दे लिटरली रिजेंबल टू समवॉट लाइक दैट ऑफ अ पॉट। ये देखिए पॉट के जैसे इनका आकार है बेली का, इसलिए इनको पॉट बेलीड सी हॉर्स कहा जाता है। ये देखिए ऊपर कैसे घूम रहा है। एक से एक सेटअप क्या बनाए इन्होंने यहाँ पर वाकई में। यहाँ पर है बार्बर सी हॉर्स। ये है यहाँ पर
इनकी मूवमेंट, इनकी हलचल बड़ी ही शांत, बड़ी ही काम होती है। ये देखिए किस तरह से ये चलते हैं। इनका आकार भी बहुत ही डिफरेंट है बाकी मरीन फिशेस से। यही खूबसूरती होती है मरीन फिशेस की कि हर एक मरीन फिश अपने वे में इतनी दिलचस्प, इतनी यूनिक होती है, अद्भुत वाकई में। काफ़ी सारे सी हॉर्सेस हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नाइल टॉप शेल। ओके सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से अपसाइड डाउन तैर रहे हैं। मैं इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ बिकॉज इनका इनका बीक जो है, इनका जो मुंह है बीक की तरह दिख रहा है। वो देखिए आप, पूरी तरीके से नीचे की तरफ है और पूंछ इनकी ऊपर की तरफ है। एक से एक वैरायटीज है ओशन में जो यहाँ पर इन्होंने रखी है। एंड देखिए स्ट्राइप इनके बॉडी के ऊपर कैसे होके जाती है ऊपर की तरफ। वाह, फ्रेश वाटर में मेरे ख्याल से ऐसी फिश है अपसाइड डाउन कैटफिश, जो ऐसी उल्टी पुल्टी तोड़ती है, बट वो कभी कभी तो सीधी हो जाती है। बट ये लोग तो मतलब, ये देखिए आप, मतलब पूरे सारे के सारे ऐसे एकदम उल्टे तैर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना सारा झुंड है इनका। तो यहाँ पर देखिए सी हॉर्स जिस तरह से, मेल सी हॉर्स जिस तरह से बच्चे देता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। एंड हाउ दे ग्रो, काफ़ी सारे एक्वेरियम्स देखने हैं हमको। सो यहाँ पर और एक बड़ा सा एक्वेरियम आपको देखने को मिलेगा। वाओ, आई एम स्पीचलेस। टैंक्स है, बटरफ्लाइज है, पता नहीं क्या क्या वैरायटीज है इसके अंदर। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका फिल्ट्रेशन क्या नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि हम अपने जो छोटे छोटे 5-6 फीट के टैंक्स भी संभालते हैं तो कितना हेक्टिक हो जाता है अगर हमने टाइमली साइफनिंग या वाटर चेंजेस नहीं करे। यहाँ पर इनके पास आराम से मेरे ख्याल से हज़ारों लीटर से भी ऊपर इसके अंदर पानी होगा। हज़ार मैंने कम बोला है, आराम से 10-20 हज़ार लीटर पानी होगा इसके अंदर। तो सोचिए क्या कमाल का फिल्ट्रेशन होगा इसके अंदर। देखिए ट्रिगर फिश है मेरे ख्याल से, ये शायद से ये ट्रिगर फिश, जी ये ट्रिगर फिश है, बट कौन सी ट्रिगर है वो पता नहीं मुझे, बट दिखती तो ट्रिगर ही है। पीछे भी वहां पर काफी सारे हैं। ज़ोस्टस बटरफ्लाई मेरे ख्याल से वो पीछे गई। Let's check out the next aquarium now. Bungai cardinal fish. काफ़ी बड़ी साइज है इनकी और ये भी मेरे ख्याल से सी ऑर्चिन्स है। ये देखिए यहाँ पर बंगाई कार्डिनल की साइज। एंड ये देखिए नीचे के फिन्स की तरफ कितने स्पॉट्स है इसको। Each and every aquarium setup is so quite impressive, so incredible, so stunning, so unique. These are crown of thorns starfish. Wow. ये रहे वो, यहाँ पर काफ़ी सारे झुंड में है। इनका नाम है crown of thorns starfish. ओहो ये देखिए क्या स्पीशीज़ बनाई है नेचर ने, एक से एक
नाम भी कितना इसका मज़ेदार है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। अगेन यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है बड़ा सा, और ये देखिए दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे जो पर्ल होता है जिसके अंदर पर्ल मोती पाई जाती है उसको वो उठा रहे हैं, ऐसा इमेजिनेशन करके इस टैंक को बनाया गया है। एंड कितने सारे फिशेस देखिए इसके अंदर, मेरे ख्याल से ये मोनो एंजल है जो फ्रेश वाटर में भी लोग रखते हैं। एंड इन फिशेस पर देखिए स्ट्राइप्स, तो कितने मज़ेदार स्ट्राइप्स हैं इनके ऊपर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जो इन्होंने सेटअप ऐसा बनाया हुआ है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। ये देखिए ऊपर कितने सारे हैं, अगेन एक चक्कर लगा के दिखा देता हूँ आपको पूरा। क्रेजी सीरियसली।